साथियों एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों हम मनोविज्ञान में आपको संश्लेषण विधि बताए, विश्लेषण विधि की चर्चा कर दी, आगमन विधि की चर्चा कर दी, निगमन विधि की चर्चा कर दी। आगमन और निगमन विधि का खोज अरस्तु करते हैं, इसको देख लीजिए। आगमन और निगमन विधि की खोज कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगमन और निगमन, निगमन विधि, विधि की खोज अरस्तु करते हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा हुआ है। तो अगला हम चलते हैं, इसकी हमने चर्चा कर चुके हैं, उसको हम बता चुके हैं आपको। आगमन क्या होता है, निगमन क्या होता है, उदाहरण दिया जाता है, सूत्र बताया जाता है, सूत्र बताया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। अगला हम चलने वाले हैं प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड में होती क्या, पहले इसकी हम चर्चा कर दे रहे हैं फिर उसको बताएंगे पॉइंट वाइज। लेबोरेटरी में होता क्या है कि पहले क्लास में, जैसे बीएससी में हो गया या आपका इंटरमीडिएट हो गया या हाई स्कूल हो गया, जब विज्ञान का, गृह विज्ञान का, भूगोल का, गणित का, इसमें जो है प्रयोगशाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है। सपोज दैट मानते हैं कि हमको विज्ञान पे आज लेबोरेटरी में ले जाना है। अब बच्चे को विज्ञान में लेबोरेटरी में ले जाना है, सपोज दैट मान प्रिज्म के बारे में बताना है। यदि हमको प्रिज्म के बारे में बताना है तो पहले शिक्षक क्या करता है, पहले शिक्षक क्लास में ही बच्चों को प्रिज्म के बारे में चर्चा कर देता है कि प्रिज्म किस प्रकार का है, प्रिज्म त्रिकोणा है, त्रिभुजाकार है, प्रिज्म चतुर्भुजाकार है, प्रिज्म में ये सब रेज गुजरती हैं तो वो कैसा दिखाई देती है, अब विभिन्न रंगों में सात रंगों में विभक्त हो जाती है, ये दिखाई देता है। इसी को, सात रंगों को देखने के लिए उसको लेबोरेटरी में ले जाना होगा कि लेबोरेटरी में ले जाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे आपको विभव ज्ञात करना है, पोटेंशियल ज्ञात करना है, डायोप्टर में हो जाता है या ट्रांजिस्टर हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम चेक कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन उसको कैसे करना है, कहां लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में ले जाएंगे। तो पहले लेबोरेटरी मेथड में होती क्या है, क्लास में ही बच्चे को उसके बारे में परिचर्चा कर दी जाती, उसके बारे में बता दिया जाता है, क्योंकि जब वो लेबोरेटरी में बच्चा जाए तो उससे कोई गलती ना हो जाए। हो सकता है कोई स्विच ऑन ना कर दे, हो सकता है कोई केमिकल ना मिला दे। जैसे आप देखे होंगे टेस्ट भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है, तो उसके पहले क्या करना होता है, उसके पहले कक्षाओं में उसकी चर्चा कर दी जाती है, उसके बारे में बता दी जाती है, फिर उसको लेबोरेटरी में ले चलते हैं। तो ये लेबोरेटरी में कौन कौन से पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखा करें जिससे आपको पूरा लाभ मिले, तथा यदि आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को कमेंट्स में आप कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइए हम चलते हैं लेबोरेटरी, लेबोरेटरी होती क्या है। लेबोरेटरी में, मेथड में, प्रयोगशाला में शिक्षक क्या होता है, शिक्षक के दिशा निर्देशों में, शिक्षक के दिशा निर्देश, यहां दिशा निर्देश कौन देता है, शिक्षक, शिक्षक के दिशा निर्देश में, दिशा निर्देश में, निर्देशन में बच्चा क्या करता है, स्टूडेंट जो करता है, विद्यार्थी करता है, स्टूडेंट क्या करेगा, अब स्टूडेंट जो कार्य करेगा स्वयं प्रयोग करके, स्वयं प्रयोग करता है और उसको अवसर भी दिया जाता है, स्टूडेंट को प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, स्टूडेंट को प्रयोग करने का, प्रयोग करने का, करने का अवसर दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। इसका मतलब हो गया शिक्षक के दिशा निर्देशन में, डायरेक्शन में ही स्टूडेंट को क्या करना होता है, प्रयोगशाला में ले जाना होता है और उसको स्वयं करता है, उसको स्वयं करने के लिए छूट दी जाती है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है। निरीक्षण करता है, निष्कर्ष भी करता है, इसमें स्टूडेंट क्या करता है, इसमें विद्यार्थी क्या करता है, याद रखिएगा, इसमें विद्यार्थी निरीक्षण करता है, निरीक्षण एनालिसिस करेगा, निरीक्षण करेगा, निष्कर्ष निकालेगा, फिर क्या करता है, उसको उपकरणों को देखता है, यंत्रों को देखता है, उसको सिस्टम में रखता भी है,
उपकरणों को क्या करेगा, उपकरणों या यंत्रों को सजाता है, वो अच्छे से रखेगा, अरेंजमेंट करेगा कि उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। उपकरणों के बारे में उसको कौशलों का विकास होता है, उपकरणों से संबंधित कौशलों का क्या होता है, कौशलों का विकास होता है। जो भी उपकरण से संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी भी हो जाती है, उससे संबंधित उसका विकास भी हो जाता है, कैसे उसको देना है, कैसे उसको रखना है, कैसे उसको पकड़ना है, उसका भी विकास हो जाता है। इसमें और क्या होता है, इसमें स्टूडेंट जो होता है सदैव क्रियाशील रहता है। स्टूडेंट क्या होता है, सदैव क्रियाशील रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी विधि है जिसमें स्टूडेंट सदैव क्रियाशील होता है, सदैव सक्रिय रहता है, माने वर्क करने के लिए सदैव उत्साहित भी रहता है। तो कौन सी ऐसी विधि है, वो है आपकी जो है लेबोरेटरी मेथड है। वो कौन मेथड है, लेबोरेटरी मेथड है। दूसरा क्या हो गया, ये व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से ऐसे सिद्धांत, कौन सी ऐसी विधि है जो बच्चों के व्यक्तिगत गुणों का विकास कराती है, तो व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है। किसमें होता है, लेबोरेटरी मेथड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है, व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्या हो जाता है, उसमें अनुभव जनित अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अनुभव से जो प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई बच्चा एक्सपीरियंस होल्डर हो जाता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो जिससे वो ज्ञान प्राप्त करेगा, लेबोरेटरी में गए, अगर लेबोरेटरी में आप किसी उपकरण को छू रहे हैं, उपकरण को इधर उधर कर रहे हैं, तो उससे जो आपको ज्ञान होगा, जो आपको नॉलेज होगी, वो नॉलेज कैसी होगी, स्टेबिलिटी होगी, कभी भूलती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब कोई व्यक्ति लेबोरेटरी में उसको ले जाता है, प्रैक्टिकल कर लेता है, तो प्रैक्टिकल करने से बहुत बेनिफिट होता है, उसको कभी कोई चीज भूलता नहीं है। अब इस विषय का उपयोग कहां कहां होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि आखिर में इस विषय का हम उपयोग कहां करें, किस विषय के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, तो सबसे ज्यादा उपयोगी ये होता है आपका विज्ञान के लिए होता है। किसके लिए, विज्ञान का ये क्रम है। फिर आपका गृह विज्ञान के लिए होता है, गृह विज्ञान के बाद भूगोल हो गया, क्या हो गया, भूगोल हो गया, फिर क्या हो गया, गणित हो गया। इन विषयों के लिए लेबोरेटरी मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब उसको उपकरणों की सहायता से विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। गृह विज्ञान में क्या होती है, पकवानों को बनाया जाता है, पकवानों को कैसे बनाया जाएगा वो लेबोरेटरी में, मतलब किचन इज द लेबोरेटरी। किचन क्या है, किचन एक लेबोरेटरी है जिसमें महिलाएं, जिसमें शिक्षिकाएं, जिसमें जो है स्टूडेंट्स, जिसमें बालिकाएं क्या करती हैं, ये सारे उपकरणों को एक साथ सजाती हैं, और उसके साथ जो भी वर्क करती हैं उसके बारे में उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे अच्छा उपयोग कहाँ होता है, उसके गृह विज्ञान में होता है, किचन में होता है। किचन क्या है, किचन एक लेबोरेटरी की तरह वर्क करता है। किचन कैसा होता है, लेबोरेटरी की तरह वर्क करता है। इसी प्रकार ज्योग्राफी हो गई, ज्योग्राफी में सॉयल हो गई, मिट्टी हो गई। अब मिट्टी को हम ले जाएंगे, मिट्टी की हम परीक्षण जब करेंगे कि आखिर में मिट्टी कैसी है, ये मिट्टी उपजाऊ है, ये मिट्टी का रंग कैसा है, इस मिट्टी में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं, इसका हम कहां स्टडी करेंगे, हम स्टडी इसका लेबोरेटरी में करते हैं। इसी प्रकार गणित में क्या करते हैं, गणित में यूजेज कहां है। जैसे हमने ले गया ट्रायंगल, हमने ले लिया आपका कोण ले लिया, हमने आपको सिलेंडर ले लिया, हम आपको प्रिज्म ले लिया, ये हम चर्चा कहां करेंगे, ये हम चर्चा लेबोरेटरी में करते हैं, क्योंकि उसकी हमको फिगर दिखाई देने लगती है, हम उसको साइज बता सकते हैं। लेकिन यदि हम ये नहीं ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कल्पना शक्तियों का विकास होता है। तो लेबोरेटरी मेथड में होती क्या, जब हम किसी उपकरण को देख लेते हैं, उपकरण को देखने के बाद हमको क्या विकसित होता है, हमारे अंदर कल्पना की शक्तियों विकसित होती है। अब लेबोरेटरी मेथड से लाभ क्या हो गया, लेबोरेटरी मेथड से बच्चों में क्या हो जाती है, बच्चे में क्या अनुभव होता है, कल्पना शक्तियों का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है।
रुचियों का विकास होगा। क्या होगा? रुचियों का विकास होगा, रुचियां विकसित होने लगेगी, कठिन से कठिन विषय आसान हो जाएगा, विषय सरल होने लगते हैं। विषय क्या हो जाते हैं? विषय सरल होते हैं। तो लेबोरेटरी मेथड से यह बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि जब लेबोरेटरी में जाएगा और जब उसको देखेगा, प्रत्यक्ष देखेगा, प्रत्यक्ष दर्शन होता है, और जब प्रत्यक्ष दर्शन किसी भी व्यक्ति का होता है तो उसके बारे में वो अस्थायी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो लेबोरेटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला हम चर्चा कल करेंगे विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड विधि का, जिसे डिस्कशन किसी भी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।